अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये देखिएगा, आज आपको दिखाना था अपना चंपा फ्लावर, प्लूमेरिया भी कहते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में चंपा, उर्दू में भी चंपा ही हम तो कहते हैं। ये देखें इसका फ्लावर कितना खूबसूरत, माशाल्लाह, और इतना सेंटेड है ये माशाल्लाह कि पूरे गार्डन पे भीनी भीनी सी खुशबू फैल जाती है माशाल्लाह। और ये देखिए, मैंने इसको एक तकरीबन, ये देखिएगा आपको नज़र आएगी, 20 लीटर की बकेट में लगाया था। और आप यकीन जानें कि ये हमने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है। ये देखिए आप इसकी कितनी अच्छी तरह शूटिंग आ जाती है। और गुड एश हमने इसमें डाली थी, और बस जब हमने इसमें लगाया था ना, उसी वक्त इसके अंदर कंपोस्ट और एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत, अच्छी सी इसकी ज़रा पावरफुल सॉइल तैयार करनी पड़ती है। ये देखिए आप कैसे इसकी, बड़ा हेल्दी है माशाल्लाह ये प्लांट। देखिए ये गोल शेप में है, जो दूसरा है ना वो भी है मेरे पास, उसकी नोक वाली ये होती हैं लीव्स, और ये इसके बड़े हार्ड से लीफ होते हैं लेदर की तरह ना। तो देखिए वाटरिंग इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है, 2 टाइम आपको पानी देना पड़ता है इसमें, और फिर माशाल्लाह इसके फ्लावर ये देखें। और ये कटिंग से ही लगाया गया है, इसकी बस इतनी सी कटिंग लगा दें, और रेत में लगाएंगे ना, रेत में सैंड होती है जो रिवर सैंड, उसमें लगानी चाहिए, वरना ये गल जाती है, गल के ख़राब हो जाती है। अगर इसमें पानी की थोड़ी भी मिस्टेक हो गई तो बस। यही आज आपको बताना था, कैसी लगी आपको मेरी ये चंपा प्लांट की फ्लावरिंग। प्लीज़ आप लाइक तो कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे चैनल को। और ये देखिए आप, इसकी इस तरह स्टॉक निकलती है, पहले इतनी लंबी स्टॉक निकलती है इसकी, इधर से देखें, ये देखिएगा आप इतनी लंबी स्टॉक निकलती है, और फिर इस पर ये फ्लावर आया है। और बडिंग भी देखिए कितनी खूबसूरत है इसकी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरा ये प्लांट और इसकी फ्लावरिंग कैसी लगी। ओके, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।